We welcome you, Invention to Innovation Summit 2018. Join us. इनके जो हमारे एकेडमिया के अंदर, जो हमारे बिजनेस के अंदर और जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अंदर जो भी रिसर्च हो रही है, जो काविशें हो रही हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की तरफ हम जाने चाह रहे हैं, उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ज कर सके और इसी का नाम इन्वेंशन टू इनोवेशन है। फर्स्ट वाज इन हरिपुर यूनिवर्सिटी इन 2015, द सेकंड वाज इन यूएटी पेशावर इन 2016, दिसंबर 2016, द थर्ड वाज आल्सो इन यूएटी पेशावर इन दिसंबर 2017। हमने जो करना है कि समिट में बिजनेस प्लान कंपटीशन या स्टार्टअप कंपटीशन को कैसे स्ट्रेंथन करना है, आईसीटी सेशन जैसे भी हमने सुबह डिस्कस किया कि एक न्यू एक्सपेरिमेंट करेंगे, केपी जो समिट है इसका एक की सेशन होगा इंशाल्लाह। इन समिट्स के नतीजे में जो भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन हासिल करती है, उन प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन के बाद पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन उन प्रोजेक्ट्स को फंड करती है। बेसिक थीम बायोटेक्नोलॉजी सेशन ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि जितनी बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान में, हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि वो अपने प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर सकें। अपनी जो लोकल हमारी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज हैं उसमें हमने एकेडमिया को भी इन्वाइट किया है, इंडस्ट्री को भी इन्वाइट किया है कि वो बताएँ कि भाई आपके पास क्या काम हो रहा है यहाँ पे। ये पास्टिक का ऑनर है कि पास्टिक ने शोल्डर बाय शोल्डर खड़े होके इनके साथ इंट्रोड्यूस करवाया केपी में समिट को। इस खूबसूरत जो इस्तेमाल के उफक से मुझे एक नया पाकिस्तान उभरता हुआ नज़र आ रहा है। जब इनोवेशन समिट का सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हमने स्कूलों को इन्वाइट करना शुरू किया और हमने उनको कराची में, लाहौर में, पेशावर में और क्वेटा में बड़ी तादाद में स्कूल को शरीक करवाया इनोवेशन समिट में। उस समिट के अंदर बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आते थे, उससे कोई ना कोई सोल्यूशन देते थे और उसके ज़रिए उनके अंदर जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी जो है वो पैदा हो रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इनोवेशन समिट के ज़रिए हम पाकिस्तान से रूट लर्निंग की मेमोराइजेशन को भी ख़त्म कर पाएंगे और बच्चों की जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है वो भी डेवलप कर पाएंगे और उसमें स्पेशली जो बच्चों में क्रिएटिविटी और इनोवेशन है जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है, हम स्कूल एज से ही जो है वो ये पैदा कर पाएंगे और इस सिलसिले में आफाक का और इनोवेशन समिट का एक बड़ा मेजर रोल होगा पाकिस्तान में। इस समिट में जाने का मकसद ये है कि इंडस्ट्री को इनवाइट किया जाए, इंडस्ट्री आए इस समिट में और वो हमसे बात करे, इवन चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या इंजीनियरिंग है, लाइट मैन्युफैक्चरिंग है या जिस किस्म का भी काम करते हैं। आई थिंक वी कैन एंटरटेन इट। हम एनर्जी ऑडिट से लेके उनकी मैनेजमेंट के सोल्यूशन, हम हर किस्म का और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। अब एक टाइम आ गया कि हम अपनी पॉकेट्स में चीज़ें डेवलप करने के बजाय उनको हम लिंक करें। टेक्नोलॉजी की जो हमारी लैब है वो वी बिलीव कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैब इन केपी और अगर फार्मा इंडस्ट्री या उनको कोई सोल्यूशन चाहिए तो वी कैन सिट टुगेदर। मैं अपनी तरफ से, अपने फैकल्टी की तरफ से और सिकास की हायर मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। उम्मीद करते हैं कि हम पाकिस्तान के जो आने वाले दिन हैं, जो हमारी जो डार्कनेस है उसको हम रोशनी में बदल देंगे। तमाम माशरे के तमाम तफात को, तमाम तालीमी इदारों को और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को कहूँगा कि इस तरह की समिट्स के अंदर ज़्यादा शिरकत करना चाहिए। Among the salient features are open entry to attend technology sessions, open entry to visit technology exhibition, free poster display, cash and non-cash awards, networking with potential partners. You can also see us on www.innovationsummit.net or email us on summit@irp.edu.pk.